الصلاه والسلام على قائد الغر المحجلي وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ درتے کدے جدو ستا جامے حضور دے درتے کدے جدو ستا جامے حضور دے برکے خزان جولی وچ آمے حضور دے بھئی جندہ جندہ ایمان ہے کہ کملی والا سانو اپنے روزے تے بولا لبے جتنا جتنا دل کردے کہ اسی حضور دے روزے تے حاضری دے کے آئیے کیونکہ رب کعبہ دی قسم ہے ساڈے منگنے چ دیر ہے محمد دے عطا کرنے چ دیر کوئی نہیں اج تصور تصور چ اپنی اکھاں بند کر کے کملی والے کول حضور دا مدینہ منگ لو کملی والا ضرور عطا کرے گا جڑا جڑا چاہندا ہے کہ کملی والا سانو اپنے روزے تے بلا لوے اپنے ہاتھ بلند کر کے لہرا کے اج میرے نال نبی دی نعت پڑھ لو بھائی پڑھو گے نا بھائی ہاں سارے مل کے پڑھو تے سارے مل کے پڑھو در تے کدے جدو ستا آمین حضور دے برکے خزان جولی وچ تو آویں حضور اے جیڑا برا بری بری
हुजूर दी कुल अंबिया रसूल सामे हुजूर सामे हुजूर एक बारी हुजूर दा नाम लिया जे कुल अंबिया रसूल सामे ए दिल की ये मेरी जान भी होने अपनी नहीं रही ए दिल की ये मेरी जान भी होने अपनी नहीं रही सासा मैं लाया हाफिजा नामे हुजूर सासा मैं लाया हाफिजा नामे हुजूर दे ए आ जावे ते री समझ जे मतलब कुरान दा नगमे तो सारी जिंदगी नगमे तो सारी जिंदगी गावे हुजूर एक बारी पढ़िया जे नगमे तो सारी जिंदगी गावे हुजूर अल्लाह रब्बुल इज्जत दी हमद व सना तो बाद आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह रिसालत दे अंदर दुरूद पाक दा नजराना अकीदत न पेश करने तो बाद नहेति वजबुल एहतराम उलमाए कराम नत खने शरी बयान की बे महफिल बानिया महफिल मुअज्जस अमाइन कराम आज दा एक पकीज़ा प्रोग्राम बस सिलसिले महफिल मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकाद पजीर है जिसदा है तमाम मेरे बहुत ही प्यारे भाइयों ने बड़ी मोहब्बत और शफकत दे नाल हुजूर दा मिलाद सजाया थानू और मैनू रल बैठ के हुजूर दा सोना सोना जिक्र करन दा मौका नसीब फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत अग्गे दुआ है कि अल्लाह उस रात दा सदका जिस रात कमली वाले अपनी मां दी गोद अंदर आए अल्लाह उस रात का सदका सड़ी अज दी रात कबूल मंजूर फरमा के सड़े सारे वास्ते जरिए नजात बनाई माशाल्लाह मेरे तो कबल तुसा हुजूर दी सोनी सोनी नात खानी भी समात फरमाई मेरे नाहेति वजबुल एहतराम शहनशाह नकाबत भाई आमर शहजाद सागर साहेब चिश्ती उन्हां दी नकाबत भी तुसा समात फरमाई और उन्हां दे तवसल दे नाल मैं थोड़ी जियारत लई हाजर हां माशाल्लाह इतना सोना इंतजाम हुजूर दा मिलाद भाइयों ने सजाया अल्लाह अगे दुआए कि जिस तरह इन्ना कमली वाले दा मिलाद सजाया अल्लाह इन्ना दे घरां नूं अपनी रहमतां और बरकतां दे नाल सजा देवे
हुजूर दा मिलाद सजाना भाई बड़ी खुश नसीबी वाली बात होती है। और जड़े हुजूर दा मिलाद सजाते ने ये ना समझिया जे कि असी फजूल खर्ची करने आ, बल्कि ताजदार सदाकत हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो आप दा कौल मुबारक है, इरशाद मुबारक है कि जेड़ा बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मिलाद दे अंदर एक दिरम भी खर्च करेगा ना, एक रुपया भी खर्च करेगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते ने कान रफी की फिल जन्ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया जेड़ा मेरे नबी दा मिलाद सजावेगा ओ कियामत वाले दिन जन्नत च मुंह अबू बकर दे नाल होवेगा, ओ अबू बकर सिद्दीक दे नाल जन्नत च होवेगा जेड़ा हुजूर दा मिलाद सजांदा है। ए बड़ी खुश नसीबी वाली बात है, असी हुजूर दा मिलाद सजा के बैठ जाने आ और हुजूर दियां सोनिया सोनिया गल्लां करने आ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारा कुरान अपने यार मोहम्मद दी नात बना के भेजी है, अलिफ लाम दी अलिफ दी चोटी तो लेके वनास दे सीन दे घेरे तक ए सारा कुरान नाते मुस्तफा है। और ए कुरान ऐसीयां अजमतां ते शाना वाला कुरान है कि इस कुरान दे मुतालक मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया कि जेरा जबरा शद्दा मद्दा सब शान तेरी विच आईया, आमा लोकां खबर ना काई खासा रमजा पाईया। ए ऐसा अजमता और शाना वाला कुरान है। अजीजा ने ग्रामी है कदर और उस कुरान दे विच अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, अल्लाह ने फरमाया महबूबा असा तेनु सारे जहाना वास्ते रहमत बना के भेजी है। जिन जिन समझ आई बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया महबूबा असा तेनु सारे जहाना वास्ते रहमत बना के भेजी है। हुन अगर किसी दे दिल च ख्याल आवे कि हुजूर किन्ना वास्ते रहमत बन के आए ने, किथे किथे रहमत बन के आए ने, तो जो तो अल्लाह दी अपनी बारिश आजाद भाई आई ना, अल्लाह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो जो तो महबूब दी बारी आई फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, अल्लाह ने दसिया कि दुनिया वाले हो जिथे जिथे मैं रब्बुल आलमीन हाँ उथे उथे मेरा यार रहमतन लिल आलमीन बन के आया जे, जिथे जिथे मैं खुदा उथे उथे मेरा मुस्तफा, उची बोलो सुभान अल्लाह, ते जिथे जिथे मेरा मुस्तफा उथे उथे मैं खुदा। अल्लाह ने अपने यार दियां ऐसियां इज्जतां और शाना वाला अपने यार नु बना के भेजे, सारे नबी इज्जतां ते शाना वाले, लेकिन जो इज्जत और शान अल्लाह ने अपने यार मोहम्मद नु अता फरमाई अल्लाह ने किसे नबी नु नहीं अता फरमाई। ऐसिया इज्जत और शाना अल्लाह ने अपने यार मोहम्मद नु अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका, अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मोहम्मद मैं तेनु नबी भी बना के भेजे, मैं तेनु शाहिद भी बना के भेजे, मैं तेनु मुबशर भी बना के भेजे, मैं तेनु नजीर भी बना के भेजे। जब तो अल्लाह दे नबी हजरत आदम अली सलाम दी बारी आई ना, अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, अल्लाह ने फरमाया कि ऐ आदम असि तेनु जमीन ते खलीफा बनान वाले हां। किसे नबी नु अल्लाह ने फरमाया असि खलीफा बनान वाले हां, किसे नबी दे बारे अल्लाह ने फरमाया तेनु इमाम बनान वाले हां, पर जब तो वारी आई ना बदुहा दे चेहरे वाले दी, अलम नशरा दे सीने वाले दी वारी आई, अल्लाह ने फरमाया महबूबा असि तेनु बनान वाले नहीं बल्कि नबी बना के भेजे, असि तेनु शाहिद बना के भेजे, मुबशर बना के भेजे, महबूबा असि तेनु रहमत वाला नबी बना के भेजे। पढ़ा रब दा कुरान भाई, भाई जेड़े जेड़े कुरान सुनना चाहते ने हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह।
माशाल्लाह अल्लाह थोड़े ज़ौक नु सलामत रखे, जरा थोड़ा जिहा होर क्योंकि माहौल बन जावे। हुजूर दा जिक्र सुनन वालियां दी में बड़ियां अजमतां ते शानां ने, हुजूर दे जिक्र करन वाले ते इज्जतां ते शानां वाले हैं नहीं हैं, लेकिन जिहड़े बैठ के हुजूर दा जिक्र सुनदे ने ना, अल्लाह ने उन्हां नू भी बड़ियां इज्जतां अता फरमांदा है। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह ते पढ़ा रब दा कुरान कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने यार मोहम्मद दी अजमतां ते शानां कि मैं कुरान दे अंदर बयान फरमाईया। तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वा मा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, कमले वाले असा तेनु सारे जहान वास्ते रहमत बना के भेजे आए। अल्लाह ने फरमाया, सोने असा तेनु इंसान वास्ते भी रहमत बना के भेजे आए। अल्लाह ने फरमाया, असा तेनु पत्थर वास्ते भी रहमत बना के भेजे आए। अल्लाह ने फरमाया, सोने जिथे जिथे मैं रब्बुल आलमीन उथे उथे मैं तेनु रहमत लिल आलमीन बना के भेजे आए। अल्लाह ने फरमाया, सोने मैं तेनु फजल भी बना के भेजे, रहमत भी बना के भेजे आए। जिस वेले कमने वाले फजल बन के दुनिया ते आ गए, रहमत बन के दुनिया ते आ गए, असि फिर अल्लाह दा शुक्र अदा करने आ। रब्बा तेरा लख लख शुक्र तू अपना यार मुहम्मद सानू अदा किया। असि हुजूर दियां महफलां सजा के बैठ जाने आ, हुजूर दियां नाता पढ़ के कहने आ, फजल बोलियो ना और क्या चाहिए, फजले बोलियो ना और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या। भाई जिंदा जिंदा ईमान है, कमली वाले फजल मिले ने, कमली वाले रहमत बन के आ गए, फजल बन के आ गए। अपने हाथ लहरा के तो झंडे बना के कमली वाले दी नात पढ़ लो भाई, अपने झंडे इंज लहरा के ठंडी ठंडी हवा चलती चलती मेरे नबी दे रोजे दे नाल टकरा के अर्ज करे, माहिया रातों रात टलदी जा रही है पर हाली भी तेरे आशिक तेरियां रामा पे उड़ीक दे। कमली वाले आज हमें अपने गुलामा ते करम दा साया कर जावे ते सोनिया तेरा ते कुछ नहीं जाना, साडा काम बन जाना। अपने हाथ बुलंद करके मेरे नबी दी नात पढ़ लो ते सारे मिलके पढ़ लो, फजले रा मुल्योला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या। रहमतां वाला नबी बना के भेजिया, फजलां वाला नबी बना के भेजिया। अल्लाह ने फरमाया, महबूबा सिर्फ मैं तेनु रहमतां वाला बना के नहीं, बल्कि महबूबा तू जिस गली विच गुजरदा जावेगा रहमतां ही करदा जावेगा, महबूबा रहमतां ही करदा जावेगा। एक दिन ना मेरे नबी सहाबा दे नाल मदीने दी गली अंदर जा रहे ने, चंद सहाबा मेरे नबी दे इर्द गिर्द जा रहे ने। जदों मदीने की गली आई ना तो सहाबा कदी सज्जे वेखन ते कदी खब्बे वेखन, ते मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा खैर कदी सज्जे वेखदे जे ते कदी खब्बे वेखदे जे। सहाबा हाथ जोड़ के अर्ज करदे ने, या रसूल अल्लाह अज सानू मदीने की गली विच ना किसे दे रोण दियां आवाजां पे आउंदियां ने, पर सोने सानू रोण दियां आवाजां ते आउंदियां ने पर रोण वाला नजर नहीं आ रहा। तो मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा अज मैं ना दसा अज मदीने की गली च कौन पिया रोंदा है, मदीने की गली च कौन पिया रोंदा है। सहाबा अर्ज करते ने, या रसूल अल्लाह दसो अज मदीने की गली च कौन पिया रोंदा है। उलमा फरमाते ने, जिस वेले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा दे नाल जा रहे ने,
मेरे नबी ने फरमाया साहबा आओ मैं दसना माज मदीने दी गली अंदर कौन प्यार रोंदा है। साहबा अर्ज करदे ने सोनिया दसोया जे कौन प्यार रोंदा है। मेरे नबी ने फरमाया साहबा ए रोन वाले इंसान नहीं ए मदीने दी गली दे दो पत्थर पे रोंदे ने। सहाबा अर्ज करदे ने या रसूल अल्लाह की वजह है। मेरे नबी ने फरमाया साहबा एक पत्थर रोके दूजे नु कहंदा है हट जा आंदी बारी नबी दे कदम तो चुमे ने जांदी बारी यार दे कदम मैनु चुम ले। मेरे नबी जानवर वास्ते भी रहमत बन के आए ने। मेरे नबी ने जिधर गुजर जाना रहमत कर जाना बरकत कर जाना ते मैं तो फिर जिधर भी जाना ही कहना वा ओ पत्थरा नो कलमा पड़ा जानदाए ओ गुंगे आनु गल्ला करा जानदाए ओ पत्थरा नो कलमा पड़ा जानदाए ओ गुंगे आनु गल्ला करा। भाई केड़ा केड़ा मेरे नाल नबी दी नात पढ़ना चाहता है। साढ़े सारे दा ईमान ते अकीदा है कमली वाले पत्थरां नूं भी कलमा पढ़ांदे ने गुंगियां नूं भी गल्लां करांदे ने ते मेरे नाल अज नबी दी नात पढ़ लो पता चल जावे हुजूर दे आशिक हुजूर दा जिक्र पे करदे ने। हाथ बुलंद करके अज झंडे बना के ते लहरा के मेरे नाल पढ़ लो ओ पत्थरा नो कलमा पड़ा जानदाए ओ गुंगे आनु गल्ला करा। मैं पे वेखना कुछ दोस्त हाथ नहीं पे खड़ा कर दे रबे काबा दी कसम आज अपने हाथ खड़े करके आज मैं दीने वाले वो करके कमली वाले नु आवाज मार लो रो रो के अर्ज करो सोनिया असी तेरे बड़े गुनाकार गुलाम सोने आज अपने गुलाम ते कर्म दी नजर कर जावे तेरा जाना कुछ नहीं साडा कम बन जाना। अज कमली वाले दी नात पढ़ मिल के पढ़ो ओ पत्थरा नो कलमा पड़ा जानदाए ओ गुंगे आनु गल्ला करा जानदाए ओ सुकिया खजूरा उगा जानदाए ओ अन बोले आनो बुला उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। ओ पत्थरां नूं कलमा पढ़ा जानदा है ओ गुंगियां नूं गल्लां करा जानदा है। इतना रहमतां वाला नबी। एक दिन ना एक माई अपने 8-9 साल दा बच्चा लेके चलदी चलदी मेरे नबी दी बारगाह च आ गई ते आके अर्ज करदी है या रसूल अल्लाह 8 साल हो गए ने इनू सारे बुलाने पर बोलदा कोई नहीं
मेरे नबी ने फरमाया मां जी अपना बच्चा मेरे सामने लेके आए ना, जदों माई बच्चा मेरे नबी दे सामने लेके आई ना, हदीस पाक ही चाहुंदा है, मेरे नबी ने बच्चे दी थोड़ी ती हाथ रख के फरमाया पुत्रा क्यों नहीं बोलना है। अच्छा होवे यू हा वाली मिठी जी ज़बान थी, उता नबी बोले ते पत्थर बोल पेंदे ने ते फिर भी बच्चा सी। सुभान अल्लाह, इतनी मेरे नबी दी मिठी ज़बान जिंदे बारे अल्लाह फरमावे यू हा महबूबा तेरी ज़बान ही मैं बड़ी मिठी बनाई है, बड़ी मिठी बनाई है। ते मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कख सवाद ना ए बे मिसरे अंदरा ते खंडों भी चख डिठिया ना सारिया चीजा न कल्ला नबी दिया मिठी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, शाने मुस्तफा, सैयदी मुर्शदी, नारे हैदरी। चीज़ा नालू गल्ला नबी दिया, ते फिर ओ कमली वाला बुलावे ते कोई ना बोले, ओ एथे ता ओ भी बोल दे ने जेड़े किदे भी नहीं बोल दे। मेरे नबी ने बच्चे दी थोड़ी थी आत रखी ते मेरे नबी ने फरमाया पुत्र क्यों नहीं बोलने, ते बच्चा बोल पिया। अर्ज करदा सोनिया ए एवें कहंदे ने नहीं बोलदा, वेखो मैं ते पिया बोलना वा। मेरे नबी दे नारे लगान लग पिया, हुन माई ना खुशी खुशी अपने बच्चे दे बाजू तो पकड़िया ते लेके अपने घर जा रही है। उलमा फरमांदे ने जिस वेले माई अपने बच्चे नु लेके अपने बेड़े आ गई, आके अपने बच्चे नु सामने बिठा के कहंदी वे पुत्रा वे 8 साल गुजर गए तेनु मैं बुलांदी रही हां तू नहीं बोलिया, तेरा बाप बुलांदा रही हां तू नहीं बोलिया, तेरिया बहना बुलांदियां रही ने तू नहीं बोलिया, तेरे वीर बुलांदे रहे ने तू नहीं बोलिया, अज 8 साल बाद किवें बोल पिया। उस बच्चे ने निकी जी जबान खोली ते अर्ज करदा है मां अज 8 साल गुजरे ने एडा मिठा किसे बुलाया ही कोई नहीं जिडा मिठा मोहम्मद ने बुलाया। नारे गौसिया, सरकार की आमद, मल्ठार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आमदे मुस्तफा, नारे रिसालत। जिड्डा मिठा किसे बुलाया ही कोने जिड्डा मिठा मोहम्मद ने बुलाया। हुन पता चलिया ओ पत्थरां नु कलमा पढ़ा जानदे ओ गूंगियां नु गल्लां, हुन ते मिलके पढ़ोगे ना भाई। मैं ये हदीस इस वास्ते थोनू सुनाई है मेरे नाल ताकि तुसी मिलके पढ़ो, ले जिन्ना अगे हाथ नहीं खड़े किते हुन हाथ खड़े करके मेरे नाल पढ़िया जे, यकीन करो मजा आ जाएगा। हुजूर दा जिक्र करो, अपने सीने में ठंडा पा लो, ते सारे मिलके पढ़ लो। ओ पत्थरा नो कलमा पढ़ा जानदा गूंगे आनो गल्ला करा जानदा है, ओ पत्थरा नो कलमा पढ़ा जानदा है, ओ गूंगे आनो गल्ला करा जानदा है, ओ सुखिया खजोरा उगा जानदा है, ओ
मन बोले आनो बुला, ओ आन बोले आनो बुला जान दे। एडा सोना नबी, इतनी अजमतां ते शाना वाला नबी, और रब्बे कबा दी कसम अगर पत्थरां वाले इशारा कर देवे ते पत्थर बोल पैंदे जे। ओ जड़ी गली विच गुजर जावे ओ रहमत कर जांदा जे, ते जिंदे चेहरे वाले वेख लवे ओनू अपना ही बना जांदा जे, ओनू अपना बना जांदा जे। एक दिन ना अबू जाल, बस मेरी तकरीर खत्म होगी, बिल्कुल आखिरी बात। एक दिन ना अबू जाल ने अपने बेटे इकरमा नु अपने कोल बिठाया, ते कोल बिठा के कहंदा पुत्र इकरमा जिंदगी दा कोई पता नहीं किस वक्त सा खत्म हो जान, पर मेरी एक वसीयत याद रखी, कदे भी मुहम्मद दे मत्थे ना लग जावे, कदे भी मुहम्मद दे मत्थे ना लगी, अगर तू ओंदे मत्थे लग गया ओंदा चेहरा वेख लिया ते तू ओंदा ही हो जाना है, अपना दीन छड़ जाना है। हुण अबू जाल दे बेटे इकरमा ने दिल दे विच एक गल रखी कि मेरा बाप वसीयत कर गया मरदा मर जावी पर मुहम्मद दे मत्थे ना लग जावी, किधरे मुहम्मद दा ना हो जावे। बड़े दिन गुजर गए, मक्के दी गली दे विच ना एदू इकरमा आ रहा थे, इधरू मेरे नबी आ रहे ने, दो मेरे नबी दियां अखां ते दो इकरमा दियां अखां, जदों चार अखां मिलियां ना, जदों दिल दिल विच अखां पईयां, हुण इकरमा नूं याद आ गई अपने बाप अबू जहल दी वसीयत, पुत्रा मरदा मर जावी पर मुहम्मद दे मत्थे ना लग जावी, नहीं तां ओंदा ही हो जावेगा। हुण इकरमा दियां मक्के दियां गलियां च दौड़ां लग गईयां ते रो रो के कहंदा लोगो मैनूं बचाया जे मेरे ते मुहम्मद दी नज़र पै गई जे, मैनूं बचाया जे मेरे ते मुहम्मद दी नज़र पै गई जे। उलमा फरमांदे ने इकरमा मक्के दी गली अंदर दौड़दा नाले रोंदा ए, नाले रो रो के कहंदा लोगो मैनू बचाया जे अज मेरे ते मुहम्मद दी नजर पै गई जे। इकरमा चलदा चलदा अपने बुत खाने दे अंदर आ गया, सारे नालो वड्डे खुदा दे सामने खड़ा हो गया ते रो के कहंदा ओए मेरिया खुदावा मैनू बचा ले अज मेरे ते मुहम्मद दी नजर पै गई। जिस वेले बुत ने मेरे नबी दा नाम सुनिया बुत जमीन ते डिग के दो टुकड़े हो गया। इकरमा चलदा चलदा दरिया दे किनारे ते आ गया, दिल अंदर सोचदा ए मरदा मर जावांगा पर मुहम्मद मैं तेरा कलमा नहीं पढ़ांगा। इकरमा ने दरिया दे अंदर छलांग मारी, दरिया दियां लहरां ने चुक के बार मारिया। इकरमा ने फिर दरिया विच छलांग मारी, जे दरिया दे विच छलांग मारी, दरिया दियां लहरां ने चुक के बार मारिया। इकरमा बोल के कहंदा मैनू मरदा क्यों नहीं है, दरिया विच आवाज आई चला जा तैनू किवें मारा तेरे ते मुहम्मद दी नजर पै गई है। रब्बे काबा दी कसम जे फिर जिंदे ते मुहम्मद दी नजर पै जाए ओ मरदे ही नहीं कबरां विच भी जीउंदे रहिंदे। नजर पै जावे ओ फिर मरदे नहीं जे ओ कब्रां विच भी जीउंदे रहिंदे जे, क्योंकि अल्लाह ने अपने यार नूं बना के एडा सोहना भेजिया जेड़ा मुस्तफा दा चेहरा वेख लैंदा सी, कमली वाले दा कलमा पढ़ लैंदा सी। एडा सोहना अल्लाह ने अपने यार नूं बना के भेजिया। हजरत जाबर बिन समरा रजी अल्लाह तआला नूं फरमांदे ने कि एक दिन ना हुजूर आराम फरमा रहे ने, हुजूर आराम फरमा रहे ने ते 14वीं दा चन्न वी पे चमके। हजरत जाबर बिन समरा फरमांदे ने मैं आसमान वाले वेख्या 14वीं दा चन्न पिया चमकदा है ते मैं हुजूर दे चेहरे वाले वेखां ते हुजूर दा चेहरा भी पे चमके, ते मेरे दिल च ख्याल आया जाबर वेख ते सही अज ओ चन्न सोहना है कि आमना दा चन्न पिया सोहना लगदा है। हजरत जाबर फरमांदे ने मैं बड़ी देर कदी उस चन्न वाले वेखां ते कदी आमना दे चन्न वाले वेखां ते दिल आखिरकार फैसला कीता जाबर खामोश हो जा, चन्न ते ओ भी बड़ा सोहना है पर जेड़ा आमना दा चन्न है ना ए उंदा भी चन्न बन के आया है, ए उंदा भी चन्न बन के रब्बे काबा दी कसम जे जेड़ा ओ चन्न है ना ओ भी आमना दे चन्न चढ़न दियां उड़ीकां करदा रहा जे, ओ भी आमना दे चन्न चढ़न दियां उड़ीकां करदा रहा है। ते फिर मैं तई करवां चढ़े विच ना
में कर रोशनाई, चढ़ चना वे कर रोशनाई, तारे जिक्र करे बे तेरा हो जिथे चना बे साडा चढ़दा उथे कदर नहीं कुछ तेरा हो तेरे जा चन रोज चढ़ दे सनो सजना बाज दे हो जिंदे पीछे ए मैं जन्म कमाया ओ यार मिले एक फेरा हो चना बे कर रोशनाई तारे जिक्र करें दे तेरा हो अजीजा ने करामी कदर अल्लाह ने अपने यार नो ऐसा अजमता ते शाना वाला बना के भेजे आ सिर्फ बना के नहीं जिस गली विच कमली वाले ने गुजर जाना रहमत ही रहमत कर जानियां बरकत ही बरकत कर जानियां बस जो मैं वक्त मिलिया सी मेरा वक्त खत्म हो गया अल्लाह के दुआ है कि अल्लाह थोड़ी ते मेरी हाजिरी कबूल फरमाए इतने दोस्तों ने मेहनत दे नाल मोहब्बत दे नाल हुजूर दा मिलाद सजाया अल्लाह इन्हां दे घरां नूं अपनियां रहमतां ते बरकतां दे नाल सजा दे अल्लाह थोड़ी ते मेरी हाजिरी कबूल फरमाए आमीन व आखिरु दावाना अनिल हमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन माशा अल्लाह।